किसान साथियों, आप लोगों ने गन्ने की फसल के अंदर, धान की फसल के अंदर या सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर, मक्के ज्वार जहां पे हमारे कीटों की समस्या ज्यादा आती है, उनके अंदर एक टेक्निकल का यूज किया होगा आप लोगों ने, जो कि ब्रांड है बिल्कुल क्लोर एंट्रा नीली प्रोल। जी हाँ किसान भाइयों, अगर उसके साथ में आप लोगों ने, जैसे कि देखिए पिछले साल पत्ता लपेट की बहुत ज्यादा समस्या आई थी हमारे किसान भाइयों के सामने, उस टाइम पे वो टेक्निकल भी बिल्कुल फेल हो गया था, लेकिन अगर आप लोगों ने उसके साथ में कोई हल्का फुल्का टेक्निकल यूज किया है, टेक्निकल इस्तेमाल किया है साथ में मिला के, तो उसके बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिले थे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जानकारी देने वाला हूँ घरडा कंपनी के एक प्रोडक्ट एक्स फैक्टर के बारे में। जी किसान भाइयों, एक्स फैक्टर के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूं कि एक्स फैक्टर क्या है, कैसे काम करता है हमारी फसलों के अंदर, कौन सी फसलों के अंदर इसका यूज कर सकते हैं, क्या ये काम करेगा, कितने रुपए की आपको पड़ती है। तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको आज इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त राम मेहर और स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। किसान साथी, इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं घरडा कंपनी के एक प्रोडक्ट एक्स फैक्टर के बारे में। जी किसान भाइयों, एक्स फैक्टर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर टेक्निकल क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लोर एंट्रा नीली प्रोल जो टेक्निकल है मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम से मौजूद है, अब तो बिल्कुल मतलब ये लगा के चलिए कॉम्बिनेशन के अंदर ही काम करता है ये, अकेले कहीं कहीं पे काम करता है, अकेले इसके रिजल्ट बहुत ही कम है, लेकिन जो ये एक्स फैक्टर टेक्निकल है ये कॉम्बिनेशन के साथ आया। जी हाँ किसान भाइयों, इसके अंदर टेक्निकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो फिप्रोनील प्लस क्लोर एंट्रा नीली प्रोल, दो टेक्निकल का कॉम्बिनेशन कंपनी ने इसके अंदर दिया है। आइडिया लगा के देखिए कि इसके कैसे रिजल्ट होंगे। तो ये एक इंसेक्टिसाइड है किसान भाइयों, जिसका यूज आप अपनी धान की फसल के अंदर या सब्जी वर्गीय फसलें जितनी है, अनाज वर्गीय फसलें जितनी है, कोई भी फसल हो हमारी जिसके अंदर कीटों की रोकथाम के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी बात करें हम डोज की, तो इसकी जो डोज रहने वाली है 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल अपनी फसलों के अंदर स्प्रे के रूप में करना है, और प्रति 15 लीटर वाली टंकी में आप लोग 20 ml इसका यूज कर लीजिए। किसान भाइयों, ये हमारी धान की फसल के अंदर पत्ता लपेट गोब के कीड़े को रोकने का काम करती है, गन्ने की फसल के अंदर कंसुआ वगैरह को रोकने का काम करती है, या मक्के की फसल के अंदर, तो ये जो हमारी नुकसान पहुंचाने वाले जो कुतरने वाले कीट होते हैं हमारी फसलों को, नुकसानदायक जो हमारे कीट होते हैं हमारी फसलों के अंदर, तो उनको रोकने का काम करती है हमारी फसलों के अंदर, जितने भी इंसेक्ट के रूप में जो भी हमारी फसलों के अंदर प्रॉब्लम आती है तो उन सभी को रोकने का काम हमारी फसलों के अंदर करती है। तो किसान भाई, बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस रहने वाला है वो लगभग आपको 1000 रुपये एक या 1020 के लगभग आपको इसका मार्केट के अंदर प्राइस मिल जाता है, जो कि 200 ml का आपका खर्चा होता है, जो कि प्रति एकड़ का, दो टेक्निकल का कॉम्बिनेशन है किसान भाई। जैसे कॉटन के भी हमारे किसान भाई होते हैं, उनके सामने समस्या आती है गुलाबी सुंडी की या थ्रिप्स वगैरह की, तो उनके अंदर भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बार ये प्रोडक्ट आप लोग यूज़ करके देख सकते हैं अपनी फसलों के अंदर, गन्ने की फसल हो, मक्के की फसल हो, धान की फसल हो, कोई भी फसल हो, सब्जी वर्गीय फसलें हो, तो लगभग हर फसल के अंदर आप लोग एक्स फैक्टर का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो यही सब था किसान भाइयों, घरडा कंपनी के एक प्रोडक्ट एक्स फैक्टर के बारे में। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसानों में जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।